हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, टेंथ क्लास मैथ का लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, या फिर रूट्स भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किस प्रकार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन वो कहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस में 13x प्लस में 22 इक्वल टू जीरो। तो कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो मेथड होगा वही ही यहां पर एप्लीकेबल होगा। 22 इक्वल टू जीरो, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। आपको अच्छे तरीके से आती है, मैंने कई बार आपको समझा भी दिया, चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था, बीच वाले टर्म कैसे कोई दो टुकड़े करो, जिन दो टुकड़ों को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आना चाहिए, और जिन दो टुकड़ों को जब प्लस करें या फिर माइनस करें तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 11x प्लस में 2x, इसके दो टुकड़े कर दिए, इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो ये आ गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आ जाएगा प्लस में 22 इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते क्या बच गया, x प्लस 11। यहां से 2 कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, तो क्या बच गया, x प्लस 11 इक्वल टू जीरो। x प्लस 11, x प्लस 11 दो बार दे रखा है, कैसे करेंगे, एक इसमें से एक इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 11 जब कॉमन निकालोगे तो एक x बच गया यहां तो, और यहां पर क्या बच गया, 2 बच गया इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है ये बात, दो नंबरों की जब प्रोडक्ट जीरो आती है या तो ये वाला नंबर जीरो के इक्वल होगा या फिर ये वाला नंबर जीरो के इक्वल होगा, कोई इन दोनों में से एक जीरो होगा तभी आंसर जीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार x प्लस 11 को जीरो के इक्वल रख लेते हैं और एक बार x प्लस 2 के इक्वल टू जीरो रख ले, x इक्वल टू माइनस 11 और x इक्वल टू माइनस 2। तो आप लोगों के दो आंसर आ जाएंगे, आप पुट करके भी देख सकते हो। आप जब पुट करके देखोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का आंसर जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा। आप जब इसके अंदर पुट करके देखोगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। इसमें वैल्यू वेरीफाई करने के लिए आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसी का, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस में 16x माइनस 36 इक्वल टू जीरो। कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 18x माइनस में 2x माइनस 36 इक्वल टू जीरो, कॉमन निकाल लेते हैं एक बार इसमें से, x कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 18, माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 18 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 18 इक्वल टू जीरो। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार ये आ जाता है, या फिर x प्लस 18 अगर कॉमन निकाल लोगे तो x माइनस 2 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 2, एक्स प्लस 18 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 18। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 करवाने जा रहे हैं आप लोगों को, पेज नंबर 74 पे दे रखा आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के अंदर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो।
हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। इन दोनों को जब माइनस माइनस करके प्लस होगा तो -5x आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 6 ही तो आ रहा है, तो कॉमन निकालिए। कॉमन कैसे निकालेंगे आप लोग, एक बार तो इन दोनों को ले लीजिए और एक बार फिर इन दोनों को ले लीजिए, आप इन दोनों में से 2x कॉमन निकालिए, x माइनस वन बच जाएगा, आप जब इनमें से माइनस वन कॉमन निकालोगे, माइनस थ्री कॉमन निकालोगे, यहां पर x बच जाएगा और यहां पर माइनस वन बच जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू जीरो, तो 2x - 3 और x - 1 = 0। तो कैसे करेंगे, 2x - 3 = 0, तो आप यहां सोल्व करोगे तो x = 3/2 आ जाएगा, x - 1 = 0, तो यहां पर आ जाएगा x = 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं, एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे फोन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, (6x²) एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों को करना होगा, -2 = 0। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें 12, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस प्लस माइनस करें तो -1 आए। तो कैसे करेंगे, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। तो सोल्व करते हैं इसको, इनमें से कॉमन निकालते हैं, इनमें से अगर हम बात करें तो 2x कॉमन आ गया तो यहां पर 3x बच गया, 2 को 3 से करा 6x² हो जाता है। जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो मुझसे आकर व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर में समझ सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के अंदर समझाने में और पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। ऑफलाइन में हम स्टूडेंट के एक्सप्रेशन को पढ़कर समझ सकते हैं कि उसको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन में हम फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हमें नहीं पता होता है कि अभी किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, मोबाइल पर कॉन्टेक्ट करें, मैं उम्मीद कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। 3x आ गया, यहां पर 2 बच जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में से, तो 3x - 2 ही बच जाएगा = 0। 2x + 1 और 3x - 2 = 0, एक बार तो आ जाएगा 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2, 3x - 2 = 0, 3x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल खुद भी कराऊंगा, बाकी एक टाइप करवाने जा रहा हूं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर (क्वेश्चन नंबर 1) का फोर्थ पार्ट भी होगा, 2x² - x + 1/8 = 0। करेंगे कैसे इसको, एलसीएम लेंगे पहले इसका, माय डियर स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ गया, 16x² - 8x + 1 = 0, 16x² - 8x + 1, 8 नीचे था वहां जाके 8 0 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे इसको, 16x² - 8x + 1 = 0 ये आया था, आगे इसको सॉल्व कर देंगे। आगे तो आप कर सकते हो, वैसे टुकड़े में लिख देता हूं ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए, घर के लिए होमवर्क हो जाएगा ये वाला, घर के लिए होमवर्क लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स।
देखिएगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क लिख दिया है। वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस थ्री है, ये थ्री है, थ्री इक्वल टू जीरो, इसका आंसर रहेगा ये वाला। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइनटी इक्वल टू जीरो, आंसर क्या रहेगा, टू एक्स प्लस फिफ्टीन और एक्स माइनस सिक्स। तीसरे नंबर पे वन बाय थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, आंसर क्या रहेगा, वन बाय थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री। फोर्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस वन और सेवन एक्स प्लस वन, इसका आंसर रहेगा। एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस में सेवन बाय सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, इसका आंसर क्या रहेगा, वन बाय सिक्सटीन, फोर एक्स माइनस सेवन और फोर एक्स माइनस वन। माई डियर स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके घर के लिए होमवर्क रहेंगे, जो आपको करके देखने होंगे, इनके रूट्स निकालने होंगे। इसमें जैसे एलसीएम ले लीजिएगा, इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, बाद में वहां जाके जीरो हो जाएगा। और जो पीछे आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं वो भी आपको एक बार करके देखने होंगे। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल नंबर फाइव, एग्जांपल नंबर फाइव करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूट वाले सिंपल क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर पाए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पे, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ये समझिए, किसी भी सेम नंबर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो टू आ जाता है, मतलब स्क्वेयर रूट के अंदर सेम नंबर हो जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री आ जाएगा, रूट नाइन को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट सिक्सटी थ्री आ जाता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अलग अलग है। लेकिन अगर प्लस माइनस में बात करें तो टू रूट टू प्लस थ्री रूट टू इक्वल टू फाइव रूट टू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइक टर्म, जैसे मान लो टू एक्स प्लस थ्री एक्स होता है, टू एक्स प्लस में थ्री एक्स होता है फाइव एक्स, इस तरह टू रूट टू प्लस थ्री रूट टू भी कितना होगा, फाइव रूट टू, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म, आगे वाले नंबर ऐड हो जाते हैं और स्क्वेयर रूट सेम का सेम होता है। कुछ बच्चे इसको गलत कर लेते हैं, जैसे मान लो फाइव रूट सेवन माइनस में टू रूट सेवन, तो कितना आ जाएगा, फाइव में से टू गया थ्री, तो थ्री रूट सेवन। नाइन रूट थ्री माइनस सेवन रूट थ्री, तो यहां से कितना आ जाएगा, टू रूट थ्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हैं नाइन में सेवन गया टू, तो टू रूट थ्री। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे माइनस टू रूट वन आ जाए, रूट वन वन ही होता है, और मान लो आ जाए माइनस में, मान लो यहां पे मैं फोर्टीन कर देता हूं वैसे, और माइनस में सेवन रूट फोर्टीन आ जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस टू और माइनस सेवन माइनस नाइन रूट फोर्टीन, याद रखिएगा आप लोग इस तरीके से। और इसके अलावा आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, अगर रूट के आगे कुछ भी ना लगा हुआ हो तो हम वन अपनी, जैसे मान लो रूट सिक्स प्लस में टू रूट सिक्स आ जाए, तो वो हो जाएगा थ्री रूट सिक्स। क्यों? क्योंकि जिस रूट के आगे कुछ नहीं लगा होता हम उसके आगे वन लगा देते हैं, तो टू रूट सिक्स प्लस वन रूट सिक्स कितना हो जाएगा, थ्री रूट सिक्स। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, बाकी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो मैं इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दूंगा। आज आप लोगों का ये जो लेक्चर होगा मैं यहीं पे खत्म करूंगा इस लेक्चर को, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।